दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्रीदामा ने क्यों कहा श्रीमती राधा रानी को माया। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्रीदामा श्री कृष्ण से मिलने हेतु गोलोक पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अपना झूठा भोग खिला रही थी, जिसको देख श्रीदामा कहे कि ये तो सरासर मेरे प्रभु का अपमान है। दोस्तों श्रीदामा की बात सुन श्री कृष्ण कहे कि ये अपमान नहीं बल्कि प्रेम है। दोस्तों जिसके पश्चात श्रीदामा कहे कि मेरे प्रभु ये प्रेम नहीं एक माया है जिसमें आप विलीन हो गए हैं और मैं इस माया को सिद्धि करके ही रहूंगा। दोस्तों उन्होंने वहां पर एक कीड़े को देखकर उसको लक्ष्य बनाकर गोपियों को राधा नाम जपने कहते हैं। दोस्तों जिसके चलते गोपियों के द्वारा राधे राधे कहते ही उस कीड़े की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों गोपियों के द्वारा दोबारा राधे नाम लेते ही वहां पर मौजूद तितली भी भस्म हो जाती है। दोस्तों जिसको देख वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों तुरंत ही वहां पर एक कन्या प्रकट हो जाती है और बताती है कि वो कीड़ा और तितली मैं ही थी और हमें मनुष्य जन्म पाने के लिए न जाने कितने जन्म से गुजरना पड़ता है, लेकिन केवल एक बार राधे नाम लेने से ही मैं कीड़े से तितली में परिवर्तन हो गई और दोबारा राधे नाम लेने से मुझे कन्या का जन्म प्राप्त हुआ। दोस्तों जिसको सुनते ही श्रीदामा को अपने गलती की एहसास होती है और राधा रानी के नाम की महिमा भी पता चलती है। दोस्तों आप भी कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।